हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी टाइम। आज के इस वीडियो में हम इग्नो टेंटेटिव डेट शीट जून 2022 टॉर्मेंट एग्जामिनेशन के बारे में जो अपडेट आया है उसे डिस्कस करेंगे। इस अपडेट में इग्नो का जो टेंटेटिव डेट शीट है ये पब्लिश किया गया है और ये 25 मई 2022 का अपडेट है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट्स था कि हमारा जो टॉर्मेंट एग्जामिनेशन जून सेशन में है वो कब होने वाला है, और बहुत सारे इग्नो के स्टूडेंट्स हैं जिनका एडमिशन जनवरी 2021 में हुआ था। ठीक है, जनवरी 2021 में हुआ था, उनका टॉर्मेंट एग्जामिनेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। तो उनका भी जो टॉर्मेंट एग्जामिनेशन है वो जून 2022 ये जो डेट शीट आया है उसी में ही कंप्लीट होगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इस टेंटेटिव डेट शीट का जो पीडीएफ है उसमें क्या क्या दिया गया है। और ये जो पीडीएफ है इसे आप नीचे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर एक लिंक दिया गया है, वहाँ विजिट करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट में लिखा गया है यह डेट शीट फिलहाल संभावित है, यानी ये एक टेंटेटिव डेट शीट है। उसके बाद लिखा गया है पोर्टल फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर जून 2022 टॉर्मेंट एग्जामिनेशन विल बी ओपन इन ड्यू कोर्सेस। तो ये जो एग्जाम है उसके फॉर्म फिलअप के लिए अभी तक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू नहीं हुआ है और कुछ ही दिनों में वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पॉइंट में लिखा गया है कुछ जनरल कंडीशन दिए गए हैं, जैसे कि आपने असाइनमेंट सबमिशन किए हो होंगे, उसके बाद आपका जो मिनिमम टाइम है एक प्रोग्राम को कंप्लीट करने के लिए वो कंप्लीट करने होंगे, उसके बाद आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड होना चाहिए, तो तभी जाके आप ये जो इग्नो का फॉर्म फिलअप है वो कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट में लिखा गया है बहुत सारे स्टूडेंट का क्या होता है, जो एग्ज़ाम्स होता है बहुत सारे प्रोग्राम का कोर्स कोड का एग्ज़ाम क्लैश होता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं और लिखा गया है द क्लैश ऑफ एग्जाम डेट सेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द फॉलोइंग केसेस। तो अगर आपका जो दो प्रोग्राम्स के बीच में क्लैश होता है सेम डेट में सेम सेशन में आ जाता है तो नीचे दिए गए केसेस में से इनको माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है पॉइंट द कोर्सेस आर फ्रॉम द सेम ग्रुप। तो इग्नो ने बहुत सारे प्रोग्राम्स को 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। तो मान लीजिए आपने ए प्रोग्राम भी लिया है और बी प्रोग्राम भी लिया है और ये दोनों बिलोंग्स करते हैं ग्रुप ए को। तो इग्नो क्या करता है, ग्रुप ए में जितने भी प्रोग्राम्स हैं उन सभी एग्जाम्स का डेट एक दिन में फिक्स कर देता है। तो इन्हीं केस में क्या होगा, इन दोनों का जो एग्जाम डेट है वो चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, वो सेम डेट में ही होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है यदि पाठ्यक्रम बैकलॉग है, तो मान लीजिए ए प्रोग्राम ए एक कोर्स है और बी एक कोर्स है, ए आपका बैकलॉग यानी प्रीवियस ईयर का है और ये करंट ईयर का है, तो इन दोनों का एग्जाम डेट अगर सेम डेट में हो जाता है तो ये भी चेंज नहीं हो सकता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है यदि पाठ्यक्रम भिन्न कार्यक्रमों से संबंधित हो, और अगर जो प्रोग्राम्स हैं वो डिफरेंट प्रोग्राम्स के हैं, ठीक है, तो उनका भी अगर सेम डेट में एग्जाम आ जाता है तो वो भी चेंज नहीं हो सकता। उसके बाद लिखा गया है इन एमपी प्रोग्राम्स कोर्सेस फ्रॉम डिफरेंट स्पेशलाइजेशन, एमपी प्रोग्राम्स के अंदर अगर कोर्सेस डिफरेंट स्पेशलाइजेशन के हैं तो वो भी चेंजेस नहीं हो सकता। तो पहले डेट शीट, ये जो टॉर्मेंट एग्जामिनेशन इनका टेंटेटिव डेट शीट आया है यहाँ पर पहले आप चेक कर लीजिए, अगर इन पॉइंट्स के बावजूद भी आपका कोई भी दो सब्जेक्ट सेम डेट में एग्जाम है तो क्या कीजिएगा, आप नीचे दिए गए मेल में आप मेल कर सकते हैं। अगर आप अभी मेल करेंगे तो ये जो टेंटेटिव डेट शीट है यहाँ पर बदलाव हो सकते हैं। तो यहाँ पर मेल आईडी दिया गया है dateshit@igno.ac.in। तो कैसे मेल करेंगे, यहाँ पर नीचे फॉर्मेट दिया गया है, यहाँ पर सीरियल नंबर, एनरोलमेंट नंबर, कार्यक्रम और जो कोर्सेस है और डेट सेशन, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप उन ऊपर जो मेल आईडी दिया गया है वहाँ पर भेज सकते हैं। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में कहा गया है क्वेश्चन पेपर ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम्स और कोर्सेस विल बी ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप। तो यहाँ पर इन बॉक्स में जो जितने भी प्रोग्राम दिए गए हैं इन सभी प्रोग्राम्स के जो क्वेश्चन होगा वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, MCQ और OMR पैटर्न में आपको आंसर लिखने होंगे। ठीक है, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होता है। ठीक है, तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, जैसे कि प्रोग्राम है यहाँ पर BSHF FST 01। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है प्रोग्राम कोड। तो यहाँ पर जितने भी सारे प्रोग्राम्स कोड यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर है उन सभी के एग्ज़ाम इस 2022 ये जो
गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के जो टेंटेटिव डेट शीट है वहाँ पर होने वाला है, ठीक है। ये जो डेट शीट है तो यहाँ पर इग्नो बीएड का भी डेट शीट इसी में दिया गया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इग्नो बीएड का जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है वो भी इसी सेशन में होगा, क्योंकि जो जिन स्टूडेंट ने जनवरी 2021 में एडमिशन लिया था उनका गवर्नमेंट एग्जामिनेशन अभी तक नहीं हुआ है, तो उनका एग्जाम भी इसी जो जून सेशन है वहाँ पर होने वाला है, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर डेट शीट का जो दिया गया है, ये आप देख सकते हैं एक मॉर्निंग सेशन में है और एक इवनिंग सेशन में है, और आपका एग्ज़ाम शुरू होने वाला है 22 जुलाई, ठीक है, 22 जुलाई 2022 से। तो ये पूरा अगस्त के महीने में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और ये एग्ज़ाम ख़त्म होगा 5 सितंबर 2022 में आपका एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला है। तो ये था आपका कंप्लीट जो टेंटेटिव डेट शीट के बारे में अपडेट, ठीक है। अगर आपका कोई भी दो सब्जेक्ट्स क्लैश कर रहे हैं तो आप अभी मेल भेज दीजिए, ठीक है। पहले चेक कर लीजिए कि वो दोनों प्रोग्राम शायद एक ही ग्रुप के हैं या नहीं। तो नीचे अगर आप जाएंगे तो नीचे यहाँ पर इग्नो के जो सब्जेक्ट्स के ग्रुपिंग है वो दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 ऐसे करके 6 ग्रुप दिए गए हैं, और ग्रुप 1 में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका एग्ज़ाम 23 अगस्त को ही होगा, यहाँ पर कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, ठीक है। उसके बाद ग्रुप 3 के ग्रुप 4 के जितने भी यानी एक ग्रुप के जो ये प्रोग्राम है इनका डेट फिक्स्ड है, ये 27 को ही होगा, ठीक है। तो पहले आप चेक कर लीजिए, अगर आपका सेम ग्रुप में नहीं है तो आप मेल कर सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड माई स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।